हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 20 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि गोकू ने अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा शूट कर दिया था ओडुसू के ऊपर। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू का वो अटैक ओडुसू को लग जाता है एंड ओडुसू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। हम देखते हैं कि वो अटैक लगने के वजह से ओडुसू को सिर से खून निकल रहा होता है एंड उसके कपड़े भी फट जाते हैं। एंड गोकू ओडुसू से बोलता है कि जो सारे अटैक्स का यूज़ मैंने किया वो सारे के सारे अटैक्स मेरे को मॉर्टल्स ने सिखाए थे। एंड अब तुम्हें कैसा लग रहा है ओडुसू? एंड ओडुसू गोकू से बोलता है कि बेवकूफ़ कह के। एंड हम देखते हैं कि गोकू अपने आप से कंट्रोल खो रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू अपने लिमिट्स तक पहुँच चुका है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड फिर से नॉर्मल हो जाता है। एंड गोकू बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिमिट्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बैटल को अभी ख़त्म कर देना चाहिए इससे पहले कि मैं अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दूँ। एंड इसके बाद गोकू ओडुसू से बोलता है कि मेरी इच्छा तो यही है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दूँ, पर मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। एंड मुझे ये भी जानना है कि आखिर तुमने पाइकॉन के जैसा क्लोथ्स क्यों पहना है। और मैं तुम्हें अभी वाडोस के पास लेकर जाऊंगा ताकि वो मुझे बता सके कि मुझे अभी करना क्या है। एंड ये बोलते बोलते गोकू अपने हाथ में एक पंच बना लेता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू वो पंच ओडुसू को मारता है, हम देखते हैं कि ओडुसू की बॉडी वहाँ से गायब होने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि ओडुसू की बॉडी वहाँ से गायब होकर एक एनर्जी फॉर्म ले लेती है एंड वो एनर्जी फॉर्म गोकू को चारों तरफ से घेर लेती है। एंड गोकू उस एनर्जी फॉर्म के कब्जे में आ जाता है। एंड इसके बाद हम रियल ओडुसू को देखते हैं जो कि अपने हाथ में थंडर लिया हुआ गोकू के सामने खड़ा हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि ओडुसू वो थंडर अटैक गोकू की तरफ फेंक देता है। गोकू सबसे पहले तो अपने आप को उस एनर्जी फॉर्म से आज़ाद करता है, पर तब तक हम देखते हैं कि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है। इसके लिए गोकू को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है उस अटैक से बचने के लिए। एंड जैसे ही वो अटैक गोकू के बॉडी के साथ टच होता है, हम देखते हैं कि गोकू लगातार पीछे खिसका जा रहा होता है। एंड गोकू काफ़ी सारे सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट को तोड़ता हुआ लगातार पीछे ही खिसका जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि गोकू नॉर्थ गैलेक्सी में पहुंच जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू नॉर्थन गैलेक्सी के एक प्लेनेट पर जा गिरता है। हम देखते हैं कि प्लेनेट के अंदर आने के बावजूद गोकू की स्पीड कम नहीं होती एंड गोकू अभी भी लगातार पीछे खिसका जा रहा होता है। वो लगातार माउंटेन से टकराते हुए पीछे ही खिसका जा रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि गोकू सीधा ज़मीन पे जा गिरता है। इस अटैक के वजह से गोकू को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओडुसू आ जाता है, पर गोकू अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। एंड गोकू को समझ गया रहता है कि ओडुसू ने क्या किया। एंड गोकू बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हारे क्लोन के साथ लड़ाई करना कब स्टार्ट किया, यानी कि ओडुसू ने अपना क्लोन बना लिया था एंड अभी तक गोकू ओडुसू के क्लोन के साथ ही लड़ रहा था। एंड जब हम असली वाले ओडुसू को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसे चोटें भी नहीं लगी हुई होती। इसका मतलब गोकू का जो कामेहामेहा अटैक लगा था वो भी ओडुसू के क्लोन को ही लगा था। एंड ओडुसू बोलता है कि जब से तुमने मेरे थंडर अटैक को डॉच किया है तब से ही तुम मेरे क्लोन के साथ ही लड़ रहे थे और मैं दूर से ये फाइट देख रहा था और मैं तुम्हारे रिडिकुलस अटैक्स को भी देख रहा था जो तुम्हारे मॉर्टल्स फ्रेंड ने तुम्हें सिखाए थे, जो कि तुम मेरे लाइटनिंग क्लोन के ऊपर ट्राई कर रहे थे। एंड गोकू, तुमने मेरे क्लोन से ये पूछा था ना कि मॉर्टल्स के सिखाए गए अटैक से हारना कैसा लगता है, तो अब मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम्हें कैसा लगा मेरे क्लोन के साथ लड़ने में, जिसके अंदर मेरी सिर्फ 50% पावर थी। एंड उसी क्लोन को हराने में तुम्हें कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि गोकू ओडुसू की तरफ आता है एंड उसे एक पंच मारने वाला होता है। हम देखते हैं कि ओडुसू उस पंच को अपने हाथों से रोक देता है। एंड ओडुसू बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना पावर लूज करना स्टार्ट कर चुके हो। एंड हम देखते हैं कि ओडुसू गोकू को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिसके वजह से गोकू के मुँह से खून निकल रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ओडुसू गोकू के पेट पर एक ज़ोरदार पंच मारता है एंड गोकू का एक भी अटैक ओडुसू को नहीं लग रहा होता। इसके बाद फिर से गोकू एक और बार कोशिश करता है ओडुसू को एक पंच मारने की, पर ओडुसू उस पंच को भी टॉच कर देता है एंड एक बार फिर से गोकू के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। हम देखते हैं कि गोकू के मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है।
हम देखते हैं कि ओडुसू के सामने गोकू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। एंड ओडुसू गोकू से बोलता है कि किसी गॉड को इस हालत में देखना सच में इससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं है। एंड ओडुसू बोलता है कि गोकू अपने पूरे पावर को रिलीज़ करो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपने पूरे पावर ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज़ करो, अपनी फुल डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का यूज़ करो और ये अब तुम्हारे लिए ज़रूरी बन चुका है कि तुम अपने एनर्जी के कंट्रोल में आ जाओ, क्योंकि अभी तुम जिस स्टेज में हो उस स्टेज में तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दो। एंड हम देखते हैं कि गोकू वापस से ओडुसू की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है। एंड गोकू ओडुसू से बोलता है कि चुप करो तुम। एंड ओडुसू एक बार फिर गोकू के पंच को रोक देता है। एंड ओडुसू गोकू से बोलता है कि तुम अपना स्पीड एंड अपना पावर बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुके हो और मुझे हिट करने की कोशिश करना तुम्हारे लिए बेकार है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से हकाई का यूज़ करने लग जाता है। एंड जैसे ही गोकू हकाई करने वाला होता है, हम देखते हैं कि ओडुसू गोकू के हाथ में एक जोरदार पंच मार देता है। एंड जैसे ही ये पंच गोकू के हाथों में लगता है, हम देखते हैं कि गोकू का हाथ ही शायद ऑलमोस्ट टूट जाता है, जिसके वजह से गोकू को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि गोकू बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। एंड ओडुसू गोकू से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम मुझे क्यों नहीं हरा सकते हो? क्योंकि मैं अपने पावर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं मेरे पावर के साथ साथ मेरे मैजिक का भी इस्तेमाल करता हूँ मैनिपुलेट करने के लिए। मैं अपने आप को पूरी तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ उन नेचुरल एलिमेंट से जिसको मैं कंट्रोल करता हूँ, और दूसरे तरफ तुम पूरी तरीके से अपने पावर के ऊपर डिपेंड रहते हो। एंड अभी इस तरीके के सिचुएशन में भी तुम अपने पूरे ताकत को रिलीज़ कर नहीं रहे हो और अपने पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हो। एंड तुम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एंड इसी के वजह से तुम इसे यूज़ करने के लिए डर रहे हो। पर मुझे पता है अगर तुम इस एनर्जी का यूज़ नहीं करना चाहते, तो मुझे पता है कि तुम्हें इस एनर्जी का यूज़ कैसे करवाना है। एंड हम देखते हैं कि ओडुसू गोकू का बाल पकड़ लेता है एंड उसे बालों के सहारे हवा में उड़ाने लग जाता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लैनेट अर्थ को देखते हैं। हम देखते हैं कि अर्थ में एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लोग कुछ नोटिस करते हैं एंड हम देखते हैं कि कोई चीज़ आकर ज़ोर से अर्थ में गिरती है। एंड ये चीज़ इतनी ज़ोर से गिरती है कि हम देखते हैं कि ज़मीन पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। एंड सभी के सभी लोग उसी चीज़ को देख रहे होते हैं। एंड ये चीज़ होती है गोकू। एंड गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस फाइट को और नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लिमिट्स के अभी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ और इतनी एनर्जी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना कंट्रोल यूज़ करे बिना। एंड तभी गोकू का ध्यान उस प्लेनेट के ऊपर जाता है। एंड गोकू बोलता है कि क्या ये प्लेनेट अर्थ है एंड ये सारे अर्थलिंग है यहाँ पर। एंड जैसे ही गोकू आसमान में देखता है, हम देखते हैं कि ओडुसू ने अपने हाथों में एक अटैक बना लिया होता है। एंड गोकू ओडुसू से बोलता है कि यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। एंड अर्थ के लोगों ने भी इस चीज़ को देख लिया होता है कि ओडुसू ने अपने हाथों में एक अटैक बना लिया है। एंड वो लोग भी इधर उधर भाग रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि गोकू उठकर बैठ जाता है। एंड गोकू ओडुसू से बोलता है कि ओडुसू ऐसा मत करो, इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड ओडुसू गोकू से बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था थोड़ी देर पहले? एंड हम देखते हैं कि ओडुसू बोलता है कि मॉर्टल इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो गॉड्स की हेल्प कर सके एंड गॉड्स के काम आए, और इस वक्त मुझे इनकी ज़रूरत है तो इन्हें मेरे मुताबिक काम करना ही होगा। एंड ये बोलते बोलते ओडुसू एक अटैक शूट कर देता है प्लैनेट अर्थ की तरफ। एंड गोकू बड़ी तेज़ी से उस अटैक को रोकने के लिए जा रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि बेवकूफ़ भाई के। एंड हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही उस अटैक तक पहुंचता है, गोकू भी उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता। एंड गोकू बोलता है कि धत तेरी की, ये अटैक तो पूरी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उस अटैक को रोकने के लिए। एंड उस अटैक को रोकने के चक्कर में हम देखते हैं कि गोकू धीरे धीरे अपने लिमिट के पार जा रहा होता है एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। एंड उसकी अपने बॉडी के ऊपर से कंट्रोल जा रही होती है। एंड ये चीज़ ओडुसू भी समझ जाता है। एंड ओडुसू बोलता है कि आखिरकार वो आ ही गया। एंड देखते देखते हम देखते हैं कि गोकू उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जैसे ही वो अटैक ख़त्म होता है एंड धूल हटती है, हम देखते हैं कि गोकू ने अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दिया है। एंड गोकू की आँखें ब्लैक हो जाती है, इसका मतलब गोकू अपने लिमिट्स के पार पहुँच चुका है। एंड गोकू बोलता है कि तुम मुझे देखना चाहते थे ना, लो मैं आ गया।
एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।